इसका नाम है भगू पटेल। कल रात अचानक भगू पटेल मिल गए, एयरपोर्ट लाउंज में मेरे सामने वाली टेबल पर बैठे थे। उनके साथ उनके कुछ देशी और विदेशी मित्र भी थे। करीब 12 वर्ष बाद मैंने उनको देखा। उनका हुलिया हाव हाव देख के मैं कुछ देर तो पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ठेठ बुंदेलखंडी बग्गू को मैं जानता था वो दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता था कि बग्गू मरा नहीं है, बल्कि बहुत होशियारी से बग्गू ने उसे सूट बूट के नीचे छिपा दिया गया है। इसी बीच अचानक बग्गू और मेरी आंखें मिल गई। मैं मुस्कुराया, बग्गू मुझे देख के पूरी तरह से पका गए और बेहद फुर्ती से चेहरे पर कुछ ऐसे भाव लाए जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उच्च स्वर में अपने विदेशी मित्रों से अंग्रेजी में पूछ बैठे, यू वांट शुगर इन माय टी? और उनके द्वारा की गई शुगर की इस पेशकश ने ही उनके भग्गू होने पर मौत लगा दी, क्योंकि भग्गू हॉस्टल के दिनों से ही सा और शा को लेकर पीड़ित थे। अथक प्रयासों के बाद भी इन दोनों शब्दों का सही उच्चारण उन्हें सिद्ध नहीं हो पाया था। सागर विश्वविद्यालय में उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम शर्मिला था। उन्हें विश्वास था कि शर्मिला का अभिजात प्रेम निश्चित ही उनके भाषाई दोष को सुधार देगा। हॉस्टल में रात भर शर्मिला शर्मिला कहने की प्रैक्टिस करने के बाद अगले दिन सुबह बॉटनी गार्डन में उसे अपनी दो सखियों के साथ खिलखिलाता देखकर प्रपोज कर बैठे, और प्रणय निवेदन के समय अभ्यासगत संस्कार की जगह जन्मजात संस्कार ने फन निकाल लिया और वे कह बैठे, शर्मिला आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग टू यू, प्लीज शिट फॉर सम टाइम। शिट फॉर सम टाइम सुनके शर्मिला ने उन्हें तिरस्कार के भाव से ऐसे देखा जिसे भग्गू ने शर्मिला की प्रेमिल अधीरता का सिग्नल समझा और फटाक से शर्मिला आई लव यू कह दिया, और फिर चटाक की एक जोरदार आवाज के साथ उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया। भग्गू, जिनका सही नाम भागचंद पटेल था, इस घटना को छिपाना चाहते थे, किंतु शर्मिला जो आर्मी के उच्च अधिकारी की बेटी थी ने ये सब संभव होने ना दिया। उसने वाइस चांसलर से नामजद लिखित शिकायत की कि इस लड़के ने सरेआम मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने को कहा है। उन्होंने कही ना, आई शिट फॉर सम टाइम, शिट फॉर सम टाइम, बाबू बोले शिट फॉर सम टाइम। तो उसने नामजद रिपोर्ट कर दी कि इस लड़के ने मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने के लिए कहा। भग्गू रेस्टिकेट होने से बमुश्किल बचे, किंतु सेना के जवानों ने उन्हें पीटते हुए विश्वविद्यालय में उनका जुलूस निकाल दिया, जिसका एक फायदा जरूर हुआ कि भग्गू रातों रात विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गए। तब से भग्गू शर्मिला ही नहीं, हर उस बात से छलकने लगे जिसमें सा या शा जैसे शब्द आते थे। मेरे नाम आशुतोष से तो उन्हें सख्त एतराज था, क्योंकि इसमें सिर्फ शक्कर वाला शाह ही नहीं षटकोण वाला शाह। भग्गू सन 2004 तक निरंतर मेरे संपर्क में थे। ये काल्पनिक कहानी है भैया, ठीक है, लेकिन कहानी को कहने का तरीका होता है कि आदमी को ये लगे कि ऐसा है ना, क्योंकि रोचकता बनती है उसमें, तो कहानी की शैली है। तो भग्गू सन 2004 तक निरंतर मेरे संपर्क में थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस व सोशियोलॉजी से ट्रिपल एमए करने के बाद भी उन्हें मनोवांछित नौकरी नहीं मिली थी। सो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने किराना दुकान से लेकर संविदा शिक्षक तक के सारे काम कर डाले थे, किंतु कोई भी काम उन्हें मोक्ष उपलब्ध न करा सका। आज से 12 साल पहले जब मैं अंतिम बार उनसे मिला था, तब वे लोकल पॉलिटिक्स छोड़कर खजुराहो में गाइड के काम पर शिफ्ट हुए थे। इसके बाद उनका कुछ पता ना चला, तब के बाद आज अचानक ही लाउंज में प्रकट हुए। मैं प्रसन्नता से भरा हुआ अपने एक्टरपन से मिली प्रसिद्धि से उपजे अहंकार को ताक पर रखकर उनकी टेबल पर पहुंच गया और बेहद गर्मजोशी से उनको देख के बोला, भग्गू कहाँ हो यार तुम? अपने देसी विदेशी संभ्रांत से दिखने वाले दोस्तों के बीच अपने लिए भग्गू सुनकर वे असहज हो गए। उनकी आंखों में शर्मिला कांडे से लेकर किराना दुकान तक का अप्रिय अतीत बड़ा बड़ा स्नाइपर।
भग्गू की सरलता मुझसे लिपट जाना चाहते थे, किंतु प्रयत्न पूर्वक सिद्ध की गई संभ्रांतता ने उसका गला दबा दिया था, जिससे वे स्वयं घुटते हुए से दिखाई दिए। मैंने मौके की नजाकत को समझकर तुरंत यू टर्न लिया और उनके सूट बूट फेल्ट हैट को ध्यान में रखकर बेहद सम्मानजनक औपचारिकता के साथ कहा कि आई एम सॉरी जेंटलमैन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आर यू मिस्टर भागचंद पटेल? मैंने प्रश्न जरूर पूछा था, किंतु मेरे पूछने का ढंग घोषणात्मक था कि आई एम श्योर यू आर भग्गू ब्राउन अतर्रा। मेरी आंखों में अपने भग्गू होने का दृढ़ विश्वास देखकर उन्होंने सरेंडर करना उचित समझा, किंतु वे अपने विदेशी मित्रों को कतई इस बात की भनक तक लगने देने के मूड में नहीं थे कि ये सूटेड बूटेड व्यक्ति कभी भग्गू था। उनकी पूरी कोशिश इस बात को सिद्ध करने की दिखाई थी कि जैसे कर्ण कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही वे भी सूट बूट पहनकर ही पैदा हुआ था। इतने में उनके साथ की दो देशी महिला मित्र मुझे देखकर उछल पड़ी और प्रसन्नता से भरी हुई बोलने लगी, हे मिस्टर आशुतोष राणा, यू आर एन अमेजिंग एक्टर, आई एम सो 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 हैप्पी टू सी यू। अबे भग्गू से मुखातिब हुई, बोली, बीसीपी, यू नेवर टोल्ड अस यू न्यू सच ए फेमस पर्सन द आशुतोष राणा, ही सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू यू। अब भग्गू भौचक होकर मुझे देख रहे थे, वे गर्व और भय के मिश्रित भाव से भरे हुए थे। गर्व इस बात का था कि द फेमस आशुतोष राणा उनको जानता है, और भय ये था कि आशुतोष राणा उनको क्लोजली जानता है। अब वो महिला बोली, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू? ओह आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अपना नाम ही नहीं बताया, आई एम शारदा, बट बीसीपी कॉल्स मी शारदा, ही गेव मीनिंग टू माई नेम, सार मीन्स एसेंस एंड दा यानी देने वाली, सो इन शॉर्ट शारदा मीन्स एसेंस ऑफ लाइफ। मेरे प्रति भारतीय महिलाओं का आदर भाव देखकर भग्गू के विदेशी मित्र भी ताड़ गए कि मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं, और वे तुरंत सक्रिय होकर हे मैन हा मैन बॉलीवुड सेलिब्रिटी हा हा हू करने लगे। उनके सम्मानीय बीसीपी के लिए मेरे भग्गू को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं उनके सुख दुख का पुराना साथी था। कायदे से बदलना मुझे चाहिए था, किंतु बदल वे गए थे। इस बात की उन्हें अब ग्लानी भी हो रही थी। मैंने उन्हें ग्लानी मुक्त करने के लिए बेहद आत्मीयता व आदर से संबोधित किया, हे बीसी हाउ यू डूइंग नाउ? अपे लपक कर खड़े हुए और मेरे गले से चिपक गए। इस गले मिलन में दो भाव थे, एक अपनापन और एक दूसरा मुझे आगे कुछ भी ना बोलने देने का बलपूर्वक प्रयास। और ओ माय गॉड राणा, इट्स प्लेजर कहते हुए वे मुझे घसीट को टेबल से दूर ले आए और दूर से ही अपने मित्रों से बोले, एक्सक्यूज मी, विल बी बैक इन सम टाइम। अब हम दोनों अकेले थे टॉयलेट के पास, बोले, गुरु माफ करिए, हम अपने भग्गू हुए से बहुत परेशान थे। सो गाइड गिरी करते हुए एक दिन हमें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम भागचंद पटेल को बदल कर बीसीपी कर दें, शायद हमारे भाग खुल जाए। भागचंद में शाली एक पनौती सी आती, लेकिन नाम बदल देने भर से भाग थोड़ी बदलता, इसके लिए तो शाला हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सुनक का भग्गू को मिटाने में एक दिन भाग से नागा साधुओं की टोली खजुराहो में मिल गई। सो हम सोई भभूत मभूत लगा कर उनके थेंगे हो गए। अब पहले तीन चार दिन तो ठीक कर, मनो चौथे दिन रात में नांगाओं के गोतवाल ने हमें पकड़ लिया, जय शाह चमीटा हमारी पीठ पे चढ़ गया और बोले, साले फर्जी आदमी होकर नांगा बना घूमता, लगा सारे नहीं तो जय जिंदा ले लगा तेरी रात सारी तो लगाता है, हम रात भर तांडव करेंगे। सो बोरिया पिंडल उठा के हम भाग गए। अब सोचा कि चलो नर्मदा किनारे हैं ये सब परकम्मा कर ले। सो परकम्मा में एक दिन विचार आया कि जितनी भीड़ जीते जागते मुख्यमंत्री के दरवाजे पर नहीं लगती, उससे ज्यादा भीड़ तो पत्थर के देवी देवताओं के मंदिरों में नहीं लगती। कारण का है कि आदमी आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, लेकिन पत्थर कर देता है।
सो ऐसे ही रास्ता चला जी सवाल हमने एक सामान्य टाइप के चलम बार साधु से पूछता दे बोले मानो तो पत्थर भी देवता है बच्चा और ना मानो तो देवता भी पत्थर बरूबर चमत्कार पत्थर नहीं करता पत्थर के प्रति ईशान की श्रद्धा उसका विश्वास करता है गुरु उसकी बात हमें जम गई और हमने रंग बिरंगे छोटे छोटे कछुआ अजीब टाइप के पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिए पहले लोकल लेवल पे हमने उन पत्थरों को चमत्कारी पत्थर के नाम से बेचा इसमें हमारा खर्चा पानी निकलना शुरू हो गया फिर हमें लगा कि क्यों ना सूट बूट पहन के अंग्रेजी बोलते हुए पत्थरा बेचे जाए हमारा तीर निशाने पे गला गुरु जो पत्थर हिंदी में शोर पल्ली में बिकता था शाला अंग्रेजी में 2500 हम पकड़ गए गुरु हमने अब हर समस्या के निदान का अलग पत्थर उसके अंग्रेजी नाम दर दिए जैसे ट्रबल शूटर एनर्जी बूस्टर लव स्टोन पीस फॉर माइंड मिलेनियर सेक्स सक्सेस एनवी प्रोटेक्टर फेम स्टोन हैप्पीनेस लाइक कन्वर्टर और फिर लगा कि अगर हिंदी आदमी के दिल में जगह बनानी हो तो अंग्रेजी आदमी के थ्रू आओ कोई विदेशी अगर अपनी पीठ ठोंक दे तो अपन लोगों की आदत है कि अपन उसके चरणों में लौट जाते हैं सो विदेशियों को हमने घेरना शुरू किया अब विदेशी वैसे ही विश्वासी होते हैं गुरु उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती कहकर पथरा पकड़ा दोगे काम होगा मतलब होगा फिर देखो सारे कोई कसर नहीं छोड़ते पथरा को सही साबित करने के लिए जी जान लड़ा देते सफल होते हैं और श्रेय मिलता है विश्व के गाइडिंग स्टोन को आज गुरु इटली फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड यूएई दुनिया के 10 देशों में अपने आप बसेंगे मैंने कहा यार भक्कू तुमने तो कमाल कर दिया लोग हीरा नहीं बेच पाते और तुमने पत्थर बेच दिए भक्कू बोले लोग हीरे को शक की नजर से देखते हैं गुरु और पत्थरा को विश्वास की हमने पत्थर नहीं लोगों का विश्वास बेचा है मैं हंस दिया मैंने कहा यार ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है भक्कू बेहद संजीदगी से बोले विश्वास नाम की कोई चीज होती नहीं है गुरु हमारी सबरी सफलता है अंधविश्वास पे कड़ी होती है खुली आंखों का विश्वास विज्ञान कहलाता है और ये विज्ञान भी अंधविश्वास की ताकत से पैदा हुआ है हवाई जहाज बनाने वाले को पहले अंधविश्वास ही होगा कि मैं पूरे कुनबा को हवा में उड़ा सकता हूँ विश्वास परिणाम और अंधविश्वास प्रक्रिया बिना प्रक्रिया के परिणाम कैसे मिलेंगे असल में हम अंधविश्वास भी पूरी ईमानदारी से नहीं करते इसलिए फेल हो जाते हैं जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो दरअसल वो इश्कलित विश्वास है इश्कलित मतलब इश्कलित विश्वास है जिसमें हम दुनिया पर तो विश्वास करते हैं किंतु स्वयं पर विश्वास करते हैं खुली आंखों से किए गए काम नहीं बंद आंखों से किए गए काम ही चमत्कार की श्रेणी में आते हैं समझे जितने भी चमत्कारी लोग हैं उन्हें लोगों की आंखें खोली नहीं है बल्कि खुली आंखों को बंद कर दिया है बच्चों को जगाना नहीं बच्चों को सुलाना कला होती है इसलिए माताएं बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं उसको जगाने के लिए नहीं सुख मीठी नींद में गुरुता गुरु सो मेरे काम को तो माँ की लोरी मानो बस क्योंकि अच्छी नींद लेने वाला बच्चा जब अपने आप जागता है तब वो आनंद और ऊर्जा से भरा होता है फिर उसको अपना अभाव भी प्रभाव नजर आता है एक बार तुम्हारी ने तो हमसे कही थी कि संसार की सबसे बड़ी ताकत शब्द की ताकत होती है हमें लोगों के अंदर शब्द देखने की ताकत पैदा करनी चाहिए सो गुरु तुम्हारे दिए गए गुरु मंत्र का ही अक्षर से पालन कर रहा हूं मैं उनकी बात सुनकर हंस दिया और कहा कि यार तुम धन्य हो यार आज तुम्हारे नाम का सही अर्थ समझ में आया जो स्वयं के ही नहीं संसार के भी तपते हुए भाग्य को चांद की शीतलता के एहसास से भर दे वो भागचंद भक्त बदला गया तभी मुझे उद्घोषणा सुनाई दी कि मैं आखिरी सवारी हूं जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है मैंने विदा लेते हुए कहा अच्छा भक्कू मिलते हैं भक्कू बोले अरे यार गुरु जात जात एक आध मंत्र और दे जाते तो कल्याण हो जाएगा मैंने हंसते हुए उनसे कहा कि अब सफलता सिद्ध मंत्र से नहीं शुद्ध षड्यंत्र से मिलती है भक्कू मेरे मंत्र में अपने जन्मजात बैरी सा शाह और शाह को एक साथ देख के भक्कू चढ़ गए
बोले गुरु षड्यंत्र तो हम सब तो भूल भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। मैंने कहा कि षड्यंत्र बोला नहीं जाता, किया जाता है, इसलिए तो तुम इसमें पारंगत हो। भग्गू, लोग अपने आप को बदल सकते हैं कि तू छिपा नहीं सकते, तुम अपने आप को बदल नहीं पाए इसलिए छिपाने की कला में माहिर हो गए। ये षड्यंत्रकारी की प्राथमिक, ये षड्यंत्रकारी का प्राथमिक और आवश्यक गुण होता है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत जल्दी नर्मदा जी के शिव कंकण के सहारे सृष्टि के कण कण में समाने वाले हो। तुम षड्यंत्र के बल पर यंत्र ही नहीं, तंत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लोगे और तुम्हारा नाम मंत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। ये गुरु मंत्र नहीं, भविष्यवाणी है, और किसी भी भविष्य वक्ता से मुफ्त में भविष्य नहीं सुना जाता, इसलिए दस्तूर के मुताबिक मुझे दक्षिणा दो जिससे तुम्हारा सोचित और मेरे द्वारा घोषित भविष्य फलित हो। भग्गू ने हर्षातिरेक में अपना पूरा बटुआ निकालकर मुझे दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसमें से 1 रुपए का सिक्का उठाया, शिवम भगवतु कहा और चल दिया। वे अवाक होकर मुझे बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। तालियां बजती रहें।